YouTube Awakening Online Classes. मैं सुनील सर आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है गुड्स. गुड्स क्या है? जब क्लास 11 में हम लोग एंटर करते हैं तो बहुत टाइम हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये गुड्स है क्या. ठीक है, बहुत टाइम लोग सोचते हैं क्या गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब बहुत अच्छा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. गुड्स का मतलब होता है, गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग परचेस्ड और प्रोड्यूस्ड विद एन इंटेंशन To sell is called goods. मतलब suppose करो आप एक business start कर रहे हो. किस type का business start करो? Book का दुकान खोल रहे. Books बेचते हैं ना, book का जो दुकान वाले जो होते हैं, books का दुकान खोल रहे. तो books आप कहीं ना कहीं से खरीद के लाएंगे या फिर books आप publish करेंगे, बनाएंगे, production करेंगे. वो books को आप market में sell कर रहे हैं. ठीक है, तो जब वो सेल हो रहा है मतलब आपने जो बुक्स रखा है किस लिए परचेस करके लाया है, ताकि उसको बेच सके, किस लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसे बेच सके. तो बुक्स को बोला जाएगा क्या आपका गुड्स. सपोज एक जूते का दुकान, जूते चप्पल का दुकान है, तो जितने भी शूज मटेरियल जो सब हुए वो हम तुम्हारा क्या हो गया, गुड्स हो गया. क्योंकि हम लोग उसको इसलिए परचेस करके लाए ताकि बेच सके. अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं तो एग्जांपल में लेता हूँ. ठीक है, मैं तीन एग्जांपल लेता हूँ. एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर का दुकान चलाता है. एक मशीनरी डीलर है जो डिफरेंट टाइप का मशीन बेचता है. और एक बुक्स डीलर है जो किताबें बेचता है. अभी इस फर्नीचर के दुकान में फर्नीचर हो सकता है और मशीन भी हो सकता है. ठीक है, और मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ. उसके दुकान में सपोज बुक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, बुक्स भी हो सकते हैं, कैटलॉग्स वगैरह होंगे ना जो उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम आएंगे. अब फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर डीलर के दुकान में फर्नीचर क्यों होगा? बेचने के लिए ऑब्वियसली. तो फर्नीचर हो गया गुड्स. लेकिन मशीनरी उसके दुकान में क्यों होगा? यूज करने के लिए. ठीक है, तो हो सकता वो हो जाएगा तुम्हारा एसेट्स. बुक्स किस लिए होंगे? हो सकते हैं कैटलॉग वगैरह दिखा रहे होंगे, बुक्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज वगैरह ले रहे हैं. तो बुक्स बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है. उसके फर्नीचर सेलर डीलर के दुकान में जाके आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया ये बुक्स बहुत अच्छा लगा मुझे, दे दो मैं 200 रुपये 300 रुपये जो भी प्राइस है पे करूंगा. सेलिंग नहीं होगा. तो ये बुक्स क्या हो गया? एसेट्स हो गया. इसी हिसाब से मशीनरी के दुकान में गए, उसके दुकान में भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, मशीनरी भी है और बुक्स भी है. फर्नीचर वो किस लिए रखा है? चूंकि वो मशीनरी डीलर है, मशीनरी में डील करता है, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स है क्योंकि वो फर्नीचर बेच नहीं रहा है. लेकिन उसके दुकान में जितने भी मशीनरी है जो सेल करके करने के लिए रखे हुए हैं वो क्या हो गया? बुक्स. उसके दुकान में भी कैटलॉग्स वगैरह होंगे, डिफरेंट टाइप के बुक्स वगैरह हो सकते हैं. तो वो बुक्स क्या हो गया? उनका एसेट्स हो गया. ओके, अब एक बुक दुकान में चलते हैं, बुक डीलर की दुकान में चलते हैं. उस बुक डीलर के दुकान में क्या है? एक फर्नीचर है जिसमें बहुत सारे बुक्स सजा के रखा हुआ है. एक मशीन है, मशीन में क्या कर रहा है वो? थोड़ा सा पब्लिकेशन हाउस है. क्या करता है? प्रोडक्ट बुक को छापता भी है, बुक को कटिंग वटिंग करके बाइंडिंग वाइंडिंग करके तब जाके वो सेल करता है. तो उसके दुकान में मशीनरी भी होगा लेकिन वो मशीन बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है. वो मशीन किस लिए रखा हुआ है? ताकि उसको यूज करके वो बिजनेस को रन कर सके. तो फर्नीचर भी उसका एसेट हो गया, मशीनरी भी उसका एसेट हो गया. तो उसका गुड्स है क्या? तो उसका गुड्स है जितने भी टाइप्स के बुक्स रखे हुए हैं वो उसका गुड्स है. तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स कैसे पता चलेगा? एनीथिंग आप लोगों को गुड्स के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, थैंक यू.